आवाज। लेकिन हम इस बात में, इस भुलावे में क्या रह सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर इस वक्त एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। सच तो यह है कि हमारे देश के बच्चे शिक्षा के मामले में दुनिया भर के देशों से पीछे हैं। शिक्षा पर सरकार लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है। सवाल ये है कि ये सारा पैसा जा कहां रहा है, क्योंकि देश के बच्चों के लिए पढ़ाई तो अभी भी काला अक्षर ही है। ये संकट काफी बड़ा है और आज इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं ताकि सरकार अपनी शिक्षा की नीति को ऊपर से नीचे तक बदलने पर सोचना शुरू करे। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और सर्वे सामने आए हैं जिन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। सबसे पहले आई OECD पीसा यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट की रिपोर्ट। ये 74 देशों में स्कूलों की रैंकिंग का एक ऐसा सिस्टम है जिसे दुनिया भर के देश गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। भारत में इसके नतीजे नींद उड़ाने वाले रहे। भारत पीसा रैंकिंग में 73वें पायदान पर रहा, यानी सिर्फ किर्गिस्तान के आगे। इसमें रीडिंग, मैथ और साइंस की समझ देखी गई। इसके बाद आया प्रथम का सर्वे जो देश भर के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में किया गया। सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि 5वीं क्लास के सिर्फ 52% बच्चे 2री क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते और 3री क्लास में सिर्फ 29% बच्चों को गणित की सही जानकारी है। EIQES का सर्वे जो देश भर के टॉप शहरी स्कूलों की स्टडी है, इसमें यह पता लगा कि 4थी क्लास के बच्चों का गणित, विज्ञान, रीडिंग में परफॉर्मेंस अंतर्राष्ट्रीय एवरेज से कम है। बच्चा स्कूल में 60% वक्त में सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और हमारे यहां पर ज्यादातर रट्टा लगाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। एजुकेशन इनिशिएटिव्स के MD श्रीधर राजगोपालन के पास IIT मद्रास में इंजीनियरिंग और IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री है। उन्होंने 3 साल टाटा IBM की नौकरी भी की है, लेकिन फिर उन्होंने एकलव्य फाउंडेशन ज्वाइन किया और एकलव्य स्कूलों की शुरुआत का जिम्मा लिया। आज वो खासकर टेस्टिंग, टीचर ट्रेनिंग और पाठ्यक्रम में सुधार पर जोर दे रहे हैं। पहले तो सरकार ये टेस्ट लेने के लिए ही राजी नहीं थी, उसके बाद जब ये टेस्ट हो गए तो उसके बाद सरकार एकदम डिफेंसिव में आ गई। उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेस्ट से हमारे बच्चे बेचारे देते भी कैसे। मेरे ख्याल से यहां पर ये साफ करना जरूरी है कि इन बच्चों को जिस टेस्ट पर आंका गया है, जिस मापदंड पर आंका गया है, वो अनफेयर पैरामीटर्स नहीं थे। ये टेस्ट बिल्कुल स्टैंडर्डाइज टेस्ट थे और इन बच्चों को उनकी ही भाषा में भी टेस्ट किया गया है, करेक्ट? बिल्कुल। तो इन मामलों में जैसे हम पूछ सकते हैं कि ये तो एक इंटरनेशनल टेस्ट है, लेकिन जो भारत में खुद टेस्ट हैं वो क्या दिखा रहे हैं, और ब्रीफली ये कहें तो वो बिल्कुल वही दिखा रहे हैं कि लर्निंग लेवल्स बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, बहुत कम हैं। अगर कोई भी हम में से कोई जाके स्कूल में जाए और देखे कि क्लास 4 में बच्चे क्या कर पा रहे हैं, जैसे आपके वीडियो ने भी दिखाया, तो ये क्लियर पॉइंट है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेवल बहुत ही कम है। इस टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आपने भाषा या गणित में जो आपने सीखा है वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उसमें एक पैसेज होता है और उस पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये बात अलग है कि हम अपने स्कूल्स में इतने ज्यादा जो हम कहते हैं कि रोट या रट्टे पे करते हैं कि हम मानते हैं कि जो टेक्स्ट बुक में है बच्चे को वही आए। यहां पे टेस्ट में बच्चों ने उनको एक पैसेज दिया गया, उसको पढ़ के उनको आंसर देना है, और हम ये बात सही है कि हम उनको उसमें ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट मेरे ख्याल से बिल्कुल फेयर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज अनफेयर। हम लोग जो खुद टेस्ट करते हैं, असर जो टेस्ट करते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स पे देखने में आता है कि बच्चों की लेवल बहुत कम है और उस पर हमें ध्यान देना है। अगर हम गलती से पीजा को क्रिटिसाइज करने में लग जाएंगे तो शायद जो पॉइंट है, जैसे हम कहते हैं शूटिंग द मैसेंजर, वो हम मिस करेंगे और ये हमें हमारी आंख खोल रही है और हमें उस पर एक्ट करना है। ये ऑल इंडिया था, आपने जो किया वो शहरी फोकस ज्यादा था। शहरों की हालत कितनी बुरी है, कोई एक बड़े आंकड़े से आप बताएं कि शहरों की हालत कितनी बुरी है। हमने एक्चुअली 2 टेस्ट किए हैं। जो हमने एक टेस्ट किया जो आप शहर की बात कर रहे हैं, उसमें हमने 5 ही मेट्रोज लिए थे जो कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई हैं। उनमें से भी हमने जो टॉप स्कूल्स हैं, ये बहुत एक ध्यान देने वाली बात है कि हमने इन शहरों के टॉप स्कूल्स जो लोगों के हिसाब से बिल्कुल टॉप स्कूल्स हैं, उनमें ये टेस्ट किया था और हमें मिला कि क्लास 4 में वो बच्चे इंटरनेशनल एवरेज से कम आ रहे हैं। यानी कि इंडिया के
मेट्रोज के टॉप स्कूल्स वर्ल्ड के एवरेज से कम आ रहे हैं, तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। और हमें लग रहा है कि इसका रीजन भी यही है कि वहां पे भी हम ज्यादातर टेक्स्ट बुक पे फोकस कर रहे हैं और जो रोट लर्निंग है उस पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, तरह की इनफैक्ट एक मिसाल श्रीधर भी मेरे ख्याल से हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। भूटान में आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहां पर सरकारी स्कूल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उनका खर्च भारतीय सरकारी स्कूलों के खर्चे से काफी कम है। बिल्कुल, हम लोग कुछ सालों से और भूटान में काफी कॉम्प्रिहेंसिव काम करते हैं, तो इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि देखें कि वहां पे बच्चों की लेवल कितनी है। और ऐसा नहीं है कि वहां की बच्चों की लेवल बहुत अच्छी है, लेकिन उनके लर्निंग लेवल्स इंडिया से अच्छे हैं और उनका पर चाइल्ड स्पेंडिंग जो है वो इंडिया से कम है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे यूएस में ये हुआ है कि उन्होंने 1980s में उन्हें लगा कि एजुकेशन में एक क्राइसिस है और एक चीज उन्होंने ये किया कि उन्होंने उस पर खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन अगर हम सिर्फ खर्चा बढ़ाएं और बाकी सही चीजें नहीं करें तो उससे लर्निंग इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, ये यूएस में दिखा है। और इंडिया में एक रिस्क है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये एक हमें ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ जैसे आज एक इसको एक नंबर्स गेम की तरह हम देखने लगे हैं। आरटीई मेरे ख्याल से फिर से एक हमें इट हैज टेकन अस बैक कि अभी आप बच्चों को स्कूलों में रखो। टीचर्स की कमी है और इसलिए हमें टीचर्स रिक्रूट करने हैं, बिहार में बहुत बड़ी हालत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस ये जाता है कि किसी भी तरह से हमें टीचर्स लगाने हैं, उसमें खर्चा तो होगा, टीचर्स तो आ जाएंगे, स्कूल्स बन जाएंगे, लेकिन अगर हम यही करते रहें तो लर्निंग नहीं होगा। तो मैं भी टीचर्स से थोड़ा हटना चाहूंगा कि वहां पे ऑब्वियसली इश्यूज हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से मेन रीजन नहीं है। और ये भी मैं मानता हूं कि जैसे हमने कहा कि 25% बच्चे शायद प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, मेरे ख्याल से इश्यू प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स का नहीं है, क्योंकि हम नहीं कह पा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे हैं वहां पे बहुत अच्छा सीख रहे हैं और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉब्लम है, बल्कि हमारा रिसर्च ये दिखाता है कि दोनों में लेवल्स काफी कम है। बिल्कुल, एक बड़ी समस्या है। श्रीधर, आपका फाइनल वर्ड। हाँ, मैं जस्ट दो चीजें कहना चाहूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसके लिए जैसे एक प्रॉब्लम है रीडिंग का, तो हमें एरियाज में जैसे एक सेंटर फॉर रीडिंग रिसर्च हम क्यों नहीं रखते हैं, जहां पे रीडिंग या प्राइमरी मैथ्स ऐसा आप सोचें तो हमारे पास आईआईटीज हैं लेकिन रीडिंग रिसर्च पे इंस्टीट्यूट नहीं है। और दूसरा ऐसा ही पॉइंट कि एक जैसे हम टूरिज्म के लिए एजुकेशन कैंपेन्स करते हैं, पर दो एजुकेशन कैंपेन, एक टीचर्स के लिए और अच्छे लोगों को टीचिंग पे अट्रैक्ट करने के लिए, और पेरेंट्स के लिए कि अच्छी एजुकेशन क्या है, कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम, सिर्फ टाइप पहनना या सिर्फ एग्जाम में मार्क्स अच्छी एजुकेशन नहीं है, बट बच्चों को द क्रिटिकल थिंकिंग ये आना चाहिए, ये इंटरनेशनल रिजल्ट्स का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो कैंपेन्स जो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए अगर हम करें तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन उससे बहुत फायदा हो सकता है। आपसे समझना चाहूंगी ये मेरे बात की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, जो कि बिल्कुल हम लैक कर रहे हैं, और एक इस क्वालिटी की चाहत में माँ बाप जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ खिंच रहे हैं, क्या ये एक सही कदम उठता हुआ दिख रहा है, क्या ये सही दिशा में कदम जा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या सोल्यूशन है, क्या आंसर है? तो शायद नहीं, मतलब हमारे स्टडीज में हम देखते हैं कि स्पेशली जो स्कूल्स फॉर द पुअर हैं वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में लर्निंग लेवल्स में इतनी फर्क नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि पिज़ा में हमारा 73rd पोजीशन आया और मान लीजिए कि हमारे लो कॉस्ट प्राइवेट टेस्ट लें तो शायद वो 73 के बदले 65 पे आए या 68 पे आए, तो इट्स नॉट ए सब्सटेंशियल डिफरेंस कि उसके लिए हम करें। तो इश्यू प्राइवेट या गवर्नमेंट का नहीं है, इश्यू क्वालिटी का है। इश्यू जैसे लुइस ने कहा कैपेसिटी, मैं कहूंगा सिस्टमिक कैपेसिटी, कि मैं भी यू नो टीचर्स के अगेंस्ट या ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं वो जो समझते हैं सही है वो कर रहे हैं। मैं ऐसा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें चाहें कि हम एक मोबाइल फोन बनाएं, यार इतना है, वी वांट टू मेक अ बेटर मोबाइल फोन, तो ऐसा नहीं है कि हम पांच लोग बनाना चाहते हैं इसलिए हम आके बना दिए। उसमें हम मानते हैं कि एक्सपर्टीज की जरूरत है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट चाहिए, डिजाइन में एक्सपर्ट चाहिए और हम साथ मिला के करें। एजुकेशन में भी इस तरह की एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। क्या हमारे देश में रीडिंग एक्सपर्ट्स हैं? क्या हमारे देश में एक जगह है जहां पे रीडिंग पे रिसर्च हो सकता है और उसको लेके सोल्यूशन लेके हम बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है प्राइमरी मैथ्स पे? तो मैं मानता हूं कि ये जो सिस्टमिक कैपेसिटी है इससे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बेनिफिट करेंगे, लेकिन ये काम गवर्नमेंट ही कर सकता है। ये काम शायद जैसे हमने आईआईटीज बनाया और 20 साल बाद उसका फायदा मिला, इस तरह से हमें प्राइमरी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। नहीं, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यू नो अगर हम लोग कभी कभी मुझे लगता है कि अगर हम बहुत गवर्नमेंट को पर दबाव डालें, बिकॉज एक चीज हमें समझना है कि ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबको साथ मिलने काम करना होगा। शायद इस वजह से उनको लगता है कि जैसे ये सब न्यूज निकलते हैं ये खराब न्यूज है, एंड ऑब्वियसली उनको लगता है कि वो टारगेट हो रहे हैं गवर्नमेंट को भी ब्यूरोक्रेट्स को भी, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये एक हालत है, एक बहुत खराब हालत है और हमें इस पे काम करना है। इसलिए ऐसे जो इंटरनेशनल, और ये सर हर देश में होता है कि जब रिजल्ट आती है, यूएस में 20 साल से चल रहा है आती है और क्रिटिसिज्म होता है कि हमारी स्टैंडर्ड्स अच्छी क्यों नहीं है, हम खर्च कर रहे हैं, तो वी हैव टू लर्न कि हमें इसको फेस करके यहाँ पे एक्शन लेना है। तो पिज्जा अभी 2012 तो हम शायद मिस कर चुके हैं, 2015 में अभी चांस है। इसी तरह एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको TIMSS कहते हैं, टिम्स। तो इंडिया को पिज्जा और टिम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए एट द नेशनल लेवल और स्टेट्स में भी। जैसे गुजरात का मैं एग्जांपल दूं कि मेरे ख्याल से जो गुणोत्सव हो रहा है हम भी उससे जुड़े हैं, काफी एक अटेम्प्ट है कि असेसमेंट के थ्रू एक स्टेटस पता चले, प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, लेकिन ये ज्यादा होना चाहिए MHRD के लेवल पे कि यूजिंग असेसमेंट्स टू फाइंड द प्रॉब्लम, हम कहते हैं मेक द प्रॉब्लम विजिबल, ताकि फिर उस पर बहस, उस पर एक जानकारी हो। सिर्फ गवर्नमेंट या टीचर्स को ब्लेम करने का बिल्कुल हमें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन समझ के उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। से आपने बताया कि बॉम्बे में बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं सरकारी, ये तो बहुत ही विरोधाभास है। हम कह रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्ड करें क्योंकि डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक कैपेसिटी का प्रॉब्लम तो है ही कि एक मिसमैच होता है। जैसे बॉम्बे में स्पेसिफिकली क्या हुआ है कि जैसे साउथ मुंबई में आपके कई सारे म्यूनिसिपल स्कूल थे, लेकिन साउथ मुंबई की जो एरिया अगर आप देखो और वहां किस तरह की पॉपुलेशन है, और तो वहां पर लोग म्यूनिसिपल स्कूल नहीं जाना चाहते थे और इसलिए वो स्कूल बंद हो गए। इट्स अ काइंड ऑफ अ शिफ्टिंग कि यहां पर स्कूल की जरूरत नहीं थी और कहीं और जरूरत थी और वो हो भी रही है, और इसलिए वो स्कूल बंद हुए। और उस वो जो जहां पे स्कूल है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वहां पे आप स्कूल नहीं पर अभी सम ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। लेकिन आई थिंक यहां पे थोड़ा ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम पिछले 30 साल का देखें तो 30 साल पहले ऐसा एक सिचुएशन था जो स्ट्रेटिफिकेशन हो गया है सोसाइटी में, वो आज बहुत ज्यादा है। मैं मानूंगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स, जो हमें लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें यह देखना चाहिए कि वो बच्चे कहां से आ रहे हैं और किस तरह से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और ये देखे जाएंगे कि जो, तो आई वुड नॉट से प्राइवेट या गवर्नमेंट, मैं बोलूंगा स्कूल्स फॉर द रिच, स्कूल्स फॉर द पुअर। और जो स्कूल्स फॉर द रिच है वो लगता है कि वो डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी जो पेरेंटल बैकग्राउंड है, जिस तरह का बैकग्राउंड बच्चे को घर पे मिलता है, उस तरह के बच्चे को रीडिंग सिखाना, मैथ सिखाना, कंप्यूटर सिखाना काफी आसान है। और बाय चांस आप नहीं सिखाओगे तो भी पेरेंट्स विल मेक श्योर कि वो सीख जाएगा और फिर लगता है कि स्कूल अच्छा कर रहा है। इसलिए असेसमेंट जो हम काम करते हैं उसमें थोड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स चाहिए, जो देखें कि सही में स्कूल का इसमें इम्पैक्ट क्या है। और इसलिए वापस एक ही पॉइंट आता है कि सिस्टमिक कैपेसिटी, कि हाउ डू वी हेल्प द म्यूनिसिपल स्कूल इम्प्रूव, ऐसे एफर्ट्स हो भी रहे हैं। दूसरा, मैं एक मिनट के लिए पीपीपी की बात करना चाहता हूं। पीपीपी कुछ लोग इस माने से अपोज करते हैं कि इसमें प्राइवेट लोग आएंगे, वो प्रॉफिट बनाएंगे, एजुकेशन से प्रॉफिट नहीं बनना चाहें, लेकिन ये भी हो सकता है कि इट्स बेसिकली अ पार्टनरशिप। जैसे मैं मानूंगा कि जैसे डायट्स की बात हुई थी, और डायट्स हैं, काफी डिफंक्ट हैं, कुछ शायद अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं, तो पीपीपी एक जरिया है जिससे हम कहें कि जो भी ये ऑफर कर सके, मान लीजिए रेमेडियल एजुकेशन है, तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, लेकिन एक डायरेक्ट भी बोल सकता है कि नहीं हम करेंगे, और अगर वो प्रपोजल सिलेक्ट हो गया तो डायरेक्ट भी आ सके, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट भी आ सके, एनजीओ भी आ सके। तो ये मॉडल हमें करना चाहिए ताकि ज्यादा लोग जुड़ें और जो इतनी बड़ी समस्या है उसमें जुड़ के सोल्यूशन निकाल सके। जी श्रीधर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, एक और बात है जो हम लोग एक तरह से सॉफ्ट स्टेट हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ चीज करें। दुनिया में आपको अगर एक नेशन को डेवलप करना है तो आपको एजुकेशन कंपलसरी करना है। एजुकेशन कंपलसरी का मतलब है कि एक 6 साल का 8 साल का लड़का है, उसको मैं स्कूल भेजूं कि ना भेजूं, ये पेरेंट्स का चॉइस नहीं है, उनको भेजना ही है। ऐसे रूल्स US चाइना में 60 से 100 साल पहले बने गए हैं, और 60 साल से जैसे चाइना में पेरेंट का चॉइस नहीं है कि वो बच्चों को भेजें। नाउ US डेमोक्रेसी है, फिर भी वो रूल वहां पे है, और सभी लीडिंग नेशंस में ऐसा है कि वो कहते हैं कि अगर एक हफ्ते तक आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है तो आपको फोन स्कूल से नहीं आता है, पुलिस स्टेशन से आता है। हमें ये करना था, जो RTE था उसका नाम था कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी का मतलब ये था कि पेरेंट्स को करना है, लेकिन उसको बनाते बनाते हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, और हमने कर दिया नियत साफ है कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल को उसमें इंसर्ट कर दो, यही हुआ है। और ये भी था कि हम पेरेंट्स पे दबाव नहीं डालना चाहते हैं, वो बहुत पुअर हैं, बट अनलेस हम ये करें
अगर हम ये करें तो सबसे पहले पेरेंट्स से प्रोटेस्ट करेंगे चूंकि ये फैमबात को और आप क्या सोल्यूशन बताएंगे। हाँ, मैं इतना स्ट्रांगली नहीं कहूंगा कि यू नो ऐसा कोई किसी ने सोच के रखा है और एक बहुत एक प्लान्ड इंटेंशन से ऐसा कर रहे हैं। आई वुड सी इट मोर एज यू नो एक एरिया है जो कॉम्प्लेक्स है और हमारा जो सिस्टम है जहां पे मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर जो इंचार्ज है और वो 2.5 या 3 साल में बदलने वाला है तो उस एक्सपर्टीज जो की जरूरत है वो उनको बढ़ाने का टाइम नहीं मिलता है। एक आइडिया है कि एक इंडियन एजुकेशन सर्विस बने जहां पे वो ऑफिसर्स और कैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत एजुकेशन में पैशनेट है लेकिन आज हो सकता है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन 3 साल बाद वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में है या टेक्सटाइल्स में है। तो ये एक आइडिया है जो शायद करना चाहिए। मैं मानता हूं कि इससे फायदा होगा कि इस इम्पोर्टेंस हम दें ताकि जो बहुत ही ब्राइट ऑफिसर्स हैं उनको इस फील्ड में 7-8 साल रहने का अभी जैसे हम लोग हैं मैंने अभी शायद 16-17 साल पूरा यू नो हमने एजुकेशन में किया है लोग हैं जिन्होंने 20-30-40 साल किए हैं तो ये अपॉर्चुनिटी ब्यूरोक्रेसी भी होनी चाहिए एक इंडियन एजुकेशन सर्विस के द्वारा।